दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ा ही आसान परंतु बड़ा ही शक्तिशाली प्रयोग बताऊंगा, जिससे आपकी दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी और पूरा दिन भी अच्छे से बीतेगा। मनुष्य इस दुनिया में तीन सबसे महत्वपूर्ण चीजें चाहता है और वह है अच्छी सेहत, अच्छी कमाई और अच्छी बुद्धि। ऐसा वरदान पाने के लिए लोग अलग अलग तरह के नुस्खे अपनाते हैं, परंतु मैं आज एक वैदिक रीति के अनुसार एक प्रयोग बताने जा रहा हूं, जिसको करने से आपको तीनों ही चीजें वरदान के रूप में हमेशा प्राप्त रहेंगी। यह विधि है सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को याद करना, फिर अपनी दोनों हथेलियों का दर्शन करना और अंत में धरती को प्रणाम करना। जी हाँ, यह इतना ही आसान है, परंतु इसके लाभ उतने ही अधिक हैं। आइए इस विधि को मैं थोड़े विस्तार से और विधि पूर्वक बताता हूं। मैं चाहूंगा कि पहली बार आप इस छोटे से वीडियो को पूरा देख लें और इसे दोबारा चलाकर दिए गए विधि को नोट कर लें। और आगे चलने से पहले मैं हमारे नए दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया, और इस चैनल पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी जानकारियाँ नियमित रूप से लाते हैं। इसलिए अगर आप में से अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन और अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे लाभ यह होगा कि जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे, आपके पास तुरंत उसकी जानकारी पहुंच जाएगी। हाँ, उस घंटी वाले निशान पर ओके जरूर दबा दें। सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करें और फिर हाथ खोलकर अपनी हथेलियों को ध्यान से देखें। शायद आपने कई बार बड़े बुजुर्गों के मुख से भी ये बात सुनी होगी, परंतु क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे वैज्ञानिक और वैदिक तथ्य क्या हैं? आखिर ऐसा करने से क्यों और कैसे लाभ मिलता है? तो आइए आपको कुछ ऐसे तथ्यों से परिचित करवाते हैं ताकि आप भी इस आदत को अपनाकर एक सुखमय जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता भी हैं, उन्होंने हमारे हाथ की उंगलियों में धन की देवी लक्ष्मी, हथेली के मध्य में बुद्धि, सुख और समृद्धि की देवी सरस्वती और कलाइयों में नारायण, तीनों का वास स्थापित करवाया है। इसलिए सुबह सुबह इनके दर्शन करना शुभ माना जाता है। तत्पश्चात आप ऐसा संकल्प करें कि आप ऐसे काम करेंगे जो आपको उत्साहित और ऊर्जावान बनाए रखे, ना कि ऐसी दिनचर्या जिससे आपका पूरा दिन तनाव और परेशानी में बीते। सुबह उठते ही हथेलियों का दर्शन करने के पीछे यही संदेश है कि हम परमात्मा से अपने कर्मों में पवित्रता और शक्ति की कामना करते हैं। संसार का सारा वैभव, शिक्षा, पराक्रम हमें हाथों के जरिए ही मिलता है। इसलिए दिन की शुरुआत हमारी अच्छी हो तो पूरा दिन भी अच्छा ही बीतता है। मंत्र जाप। दोस्तों, दोनों हथेलियों को मिलाने के बाद तथा उनके दर्शन करने के साथ साथ अगर आप एक मंत्र का जाप भी करें तो बहुत ही उत्तम होगा। यह मंत्र है कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदय, प्रभाते कर दर्शनम। इसको दोबारा सुन ले। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदय, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात मेरे हाथ के आगे वाले भाग में महालक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास है। मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ, इनके दर्शन करता हूँ। हाथों का ही दर्शन आवश्यक क्यों होता है? हमारी संस्कृति में कर्म करते रहने का संदेश दिया गया है। केवल अपने कर्मों से ही हम अपने जीवन को स्वर्ग की ओर या नरक की ओर ले जाते हैं। अब इस विधि का आखिरी चरण। जब आप पलंग से उठें तो आप सीधे अपने पांव भूमि पे न लगाएं, परंतु अपने दोनों हाथों से भूमि का स्पर्श करके नमस्कार करें। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धरती को माता का दर्जा दिया गया है। भूमि देवी है, इसलिए यह आदरणीय है। यही कारण है कि हमें सुबह उठते ही उन पर पांव रखकर उनकी निरादर नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हाथ से धरती का स्पर्श करके हथेली को माथे से लगाएं और फिर इसके बाद ही अपने पांव नीचे रखें। मित्रों, मुझे यकीन है कि अगर आप इस छोटी सी प्रक्रिया को अपनी आदत बना लेंगे तो आपको कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए उपयोगी और जानकारी से भरे हुए वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।